जामताड़ा, झारखंड का वो इलाका जिसकी पहचान में साइबर क्राइम का बदनाम दाग है और अब यहाँ की सियासत भी अब शब्दों से दागदार हो चुकी है। वजह है इस इलाके से विधायक और सोरेन सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का बयान, जिस पर माहौल गर्म है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजेक कर लेती है। इरफान अंसारी ने किसी का नाम नहीं लिया, जिसे समझने वाले समझ गए कि इशारा किधर था। जामताड़ा सीट पर इरफान अंसारी का मुकाबला बीजेपी की सीता सोरेन से है। आप इसे राजनीति के आंसू भले ना कहें, लेकिन यहां आंसुओं की राजनीति जरूर शुरू हो गई। सीता सोरेन मीडिया के सामने आई तो फूट फूट कर रो पड़ी। तर्क ये है कि उनके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे, हालांकि फौरन इरफान अंसारी सामने आए और सफाई दे दी। वीडियो क्रॉपिंग क्या हुआ, वीडियो है, हमने आपको कुछ नहीं कहा है। मैंने तो पूर्व प्रत्याशी को कहा ये बात है। आप कहां से बीच में घुस रही हैं, क्यों घुस रही हैं बीच में? जनता माफ नहीं करी, भगवान देख रहा है, माँ चंचला देख रही है। सियासत में जो मुद्दा एक बार सामने आ जाता है वो सफाई देने से नहीं मिटता। नतीजा, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इरफान अंसारी के बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूं कि इरफान अंसारी को मंत्री सभा से बर्खास्त किया जाए। बहन सीता का अपमान होता है और उनका देवर मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए बैठा, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ हेमंत सोरेन। इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता है, ऐसे में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई। पार्टी ने बचाव तो नहीं किया, लेकिन आचार संहिता का हवाला देकर बचने की कोशिश जरूर की। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कभी हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की ये हो, इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। झारखंड की सियासत में सीता सोरेन पर की गई मंत्री इरफान की टिप्पणी से माहौल गर्म है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल खामोश है।